तो भाई आपका स्वागत है सीधा कश्मीर की वॉकिंग टेल से। और ब्यूटीफुल वॉकिंग टेल। अब हम निकल चुके हैं भाई थोड़ा घूमने कश्मीर को, पैदल ही निकले हैं अब क्योंकि जूते भीग गए हैं भाई। ये देखो नंगे पांव चल रहा है। ट्राई किए थे हम बाइक पे आने का, फिर जो भी कपड़े थे ना जैकेट भीग गई थोड़ी सी, ठंड भी लगने लगी, इसलिए हमने सोचा पैदल ही घूमते हैं जितना घूम सकते हैं। यहाँ पे पंखा नहीं चला के आए ना जिसके लिए आए भाई, भूले जूते जूते गीले हो गए थे, तो पंखा चला के आएंगे रूम का, पंखा चलाना ही भूल गए। मिशन फेल्ड हो गया भाई, मगर भाई यार कीचड़ हो रहा है यार। मत आओ भाई कश्मीर, कश्मीर बेकार जगह है साली भाई। आओ भाई कश्मीर का मजा लेके जाओ। अभी हम सोच रहे थे लाल चौक जाएंगे, इसने मना कर दिया जाने। लाल चौक जाएंगे और गीले हो गए आते, फिर लाल गीला बढ़िया लाल चौक पे थोड़ा घुमाते पैदल पैदल। ओ भाई साहब अब ये भी डर है, यहाँ पे तो कार जा रही है सीधा ऐसे स्पीड में जा रही है, हमारे ऊपर कीचड़ ना उछाल दे, इसलिए हम थोड़ा दूर होके चलना पड़ रहा है। कर ही दिया काम उसने, जिस बात का डर था वही हो गया, अब इसलिए भाई ऊपर चलेंगे हम तो। मूड खराब कर दिया बस वाले ने भाई, ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस है भाई, आगे सुनाते हैं। ये भी लेना चाहिए ऐसे आपको कीचड़ आपके ऊपर कोई व्हीकल डेल ले जाए। मुझे मुंह पड़े काटते हैं ठंड में, बस मुर्गों को मजा आ रहा है भाई, और सब तो मुर्गे भी है भाई, पीछे मुर्गे काटने वाले भी हैं। तो भाई हम आपको बाइक से चलते हुए जो दिखा रहे थे झेलम रिवर, वो है ये झेलम रिवर। अभी पूरी पानी जो पूरा पानी अभी मटमैला हो रखा है, बारिश हो रही है लगातार, इस वजह से हमें ट्रेन नहीं बना उस साइड चले, उस साइड वहाँ पे भी है दुकान उस तरफ, उस तरफ हाँ जहाँ लंबा है जाता वहाँ पास है। चलो भाई वापस चलना पड़ेगा, उधर की तरफ जाएंगे, प्लान में चेंजेस है थोड़े जब से कीचड़ आया है ऊपर हमारे, प्लान में चेंजेस है थोड़े जब से हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, और उसकी वजह से हम रास्ता बदल रहे हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, 0% रिस्क। चल तू आगे चल, तू चल रहा है अगर अभी सूखा होता ना, बारिश वगैरह नहीं होती तो ज़्यादा मज़ा आता कश्मीर को घूमने में, बट जब से ये बारिश हो रखी है कीचड़ हो रखा है मज़ा नहीं आ रहा। भाइयों यहाँ पर आर्मी का टैंक भी रखा हुआ है थोड़ी दूर, जो आपको दिख रहा होगा ये टेंट है, छावनी शहर है ये, तो यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है भाई, और टैंक तो आपने देख ही लिया, हमने देखा है जो यहाँ व्हीकल भी जा रहे हैं एकदम पैक है, वो थोड़ी सी भी उनमें पूरा मेटल से कवर है पूरा, जो शीशे की जालियाँ होती हैं जो वो भी जालियों से, जो शीशे की वाली विंडो होती है वो भी जालियों से एकदम कवर कर रखे हैं। और पुलवामा इससे थोड़ी पहले है जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को, वहीं से होते हुए आए थे हम पुलवामा से, अंधेरा हो गया था उस दिन इसलिए दिखा नहीं पाया कुछ, कुपवाड़ा थोड़ा और आगे है, अनंतनाग भी गए थे हम, पहलगाम से भी होते हुए आए थे, सब देख लिया जो मीडिया में सुना था, पहलगाम में आज दो हमले हुए, अनंतनाग में आतंकियों ने 4 फुट बेड़ी मारे गए, पूरा घुमाए भाई हम, बारिश नहीं होती तो अच्छे से घूम पाते। और भाई ये देखो जिस होटल में हम रुके हुए हैं, होटल कैलिफोर्निया ये होटल कैलिफोर्निया है जहाँ हम रुके हुए हैं, जैसे हम बाहर निकलते हैं खाली होता है, और जैसे हम वापस आते हैं गाड़ियों से भर जाता है कंपाउंड, और ये है होटल कैलिफोर्निया। अब हम कैलिफोर्निया में तो नहीं है इसलिए इसको हम होटल कश्मीर ज़रूर बोलेंगे, ये है होटल कश्मीर। और दिल्ली वाले राउंड भी काफ़ी दिख रहे हैं भाई यहाँ पे, दिल्ली की कार लेने के आ रहे हैं लोग यहाँ पे, ऑल्टो लेके आ रहे हैं दिल्ली की, और एक दिल्ली वाले ने कल जाम लगवा दिया था उसने सिंगल लेन में डबल लेन बना दी थी, और एक हमारे लेजेंड पड़ोसी HR 26 वाले गुड़गांव वाले वो भी घूम रहे हैं यहाँ पे, वो भी घूम रहे हैं वीकेंड मना रहे हैं, तो हम चलते रहेंगे भाई देखते हैं। तो चलो भाई अपनी वॉकिंग टेल को कंटिन्यू करते हैं, हम खुद तो घूम रहे हैं और मिल नहीं रहा, यस करो, हमने रास्ता चेंज करके सही किया क्योंकि अब रोड ज़्यादा सही है और कार हमारे ऊपर पानी नहीं फेंकती हुई जा रही, तो हम घूमते घूमते आ गए हैं भाई, यहाँ थोड़ा सिटी थोड़ी डेवलप लग रही है, यहाँ ज़्यादा कीचड़ कुचड़ नहीं है, और ट्रैफिक भाई ट्रैफिक है यहाँ पर, हमें तो लगा था ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा यहाँ पर,
यहाँ पर तो धड़ाधड़ कार जाए जा रही है, जूं जूं जूं। दिल्ली की तरह ही ट्रैफिक है, बस जाम नहीं लग रहा। जाम लगा था आगे की तरफ। और दिल्ली वाले भी तो हैं, मेन बात तो ये है। और दिल्ली वाले लोग आ रखे हैं भाई अपनी कारवार लेके, हरियाणा के लोग भी हैं। अच्छा वो अब साइड में अच्छे से दिख रही है झेलम रिवर, हमें उस साइड चलना चाहिए यार। वो अलग भी लेते हुए चलेंगे हम। अच्छा तो हम आपको सामने भी दिखाते हुए चलते हैं, सामने से जो दिखाते हुए कमेंट्री करते हुए जाएंगे। तो ये है भाई, ये गई दिल्ली वाली गाड़ी, ये दिल्ली वाली कार गई, ये सिटी वाली, ये हमारे होटल के पास खड़ी थी। अभी शाम का मौसम हो गया है तो थोड़ा सही है। और ये है यहाँ की JNK की DTC बस की तरह समझ लो, आज ये स्टेट बस है। स्मार्ट बस लिखा हुआ था इसमें। और यहाँ के थोड़े पुराने घर, पुराना आर्किटेक्चर है ये कश्मीर का, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। अबे भाई ये लाल बलुआ पत्थर से नहीं बना, ईंटों से बना हुआ है। और आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो बादल दिखेंगे पहाड़ों में। अब तो भाई कुछ नहीं है आगे, मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही आगे है। अरे भाई हमेशा किसी चीज़ के लिए ऐसे नहीं घूमना चाहिए कि हमें कुछ मिलेगा आगे, कभी ऐसे भी घूमना चाहिए कि कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ भी ना हो किसी चीज़ के आगे। कुछ समझ नहीं आया। आने वाला कल कभी नहीं आएगा तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मालिक, ठीक है मालिक। तू नदी देख, तेरे को नदी मिली कि नहीं मिली? अच्छा ये नदी है भाई, ये झेलम नदी है, देना एरिया है, ये पंजाब में जाती है भाई, यहाँ में आना है तो मेरी इजाज़त के नाम बताना। अच्छा एक और बस आ गई भाई, स्टेट वाली JNK ट्रांसपोर्ट, श्रीनगर बस। माहौल तो हमें नॉर्मली लग रहा है बस, है ना भाई? बस अभी दो दिन मुठभेड़ नहीं हुई। अभी तो सब कुछ भाई नॉर्मली लग रहा है। आर्मी के व्हीकल गश्त कर रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने, आर्मी वाले व्हीकल कहीं देखे हम गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं भाई। और एक चीज़ देखिए, हमने पुलिस से ज़्यादा व्हीकल यहाँ आर्मी वालों के हैं, आर्मी वाले ही मतलब पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, और वो लोग खड़े हुए हैं हर कोने चौक पे, गनमैन खड़े हुए हैं भाई। सिक्योरिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट व्यू भाई, ये कैफे दिखाएगा हमें, लंच डिनर। थोड़ा और आगे चले, ज्यादा ही आगे हो जाएगा, ऑलरेडी 1.5 किलोमीटर आगे आ गए। आना थोड़ा घूम के फिर आते हैं। ज्यादा उससे कुछ नहीं है, खाली उधर मैं सुबह गया था। सुबह कैसे गया तू? बाइक गया, जो अभी बाइक की दुकान ढूंढ रहा था। सही है भाई, तो यार अब कुछ खा लेते हैं हम लोग। माउंट व्यू कैफ़े में भाई, इस कैफ़े में हमने खाया एक बर्गर, और सोचा था जब तक बारिश और रुक जाएगी, मगर बारिश फिर चालू हो चुकी है। चाय भी बढ़िया, गर्म चाय, पहली चाय थी जो अच्छी लगी यहाँ पर। तो चलिए भाई अब देखते हैं कब तक बारिश रुकती है, वॉकिंग टेस्ट चालू रहेगी, जैसे बारिश बंद होगी दोबारा से चल के हम दिखाएंगे। इस बार वो नदी वाला रास्ते से जाएंगे हम भाई। बारिश हो रही थी और जहाँ पर, इसलिए हम बाहर रुके हुए थे, जहाँ पर हमने बर्गर खाया उस कैफ़े में, वहीं पर एक भैया भी थे अंदर, तो उन्होंने ही छोड़ दिया हमें। वो कह रहे कि मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें वहाँ तक, होटल तक। तो भाई हेल्प कर दी उन्होंने हमारी, इसलिए अब बारिश में भीगे भी नहीं और यहाँ तक आ भी गए आराम से। मैंने उनसे पूछा था कि भैया आप इसी रोड पे जा रहे हो क्या आगे, क्योंकि एटलीस्ट हम 1.5 किलोमीटर आ गए थे अपने होटल से, 1.5 या 2 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा नहीं भैया मैं तो यहीं रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, फिर हमने हमारी लोकेशन पूछी उसमें, क्या आओ बैठो छोड़ देता हूँ। फिर मैं सोचा कि मैं 100 रुपये दे दूँ भैया को, अजीब ऑकवर्ड हो जाता है। फिर चलो भैया हमारी हेल्प हो गई भाई, बढ़िया। बारिश तेज हो गई है, भीग जाते हैं, और हम अब देखते हैं भाई कल तक। कल तक हम जा पाते, केरला की गाड़ी है आ तो रहे हैं लोग काफ़ी यहाँ से, चलते हैं बाइक बाइक देख लो भाई। ठीक है भाई, घुल गई भाई, चलो भाई चलते हैं, कल तक रास्ता ठीक होता है, पता नहीं।